नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा। इटावा में CM योगी आदित्यनाथ आज रामलीला मैदान में विरोधियों पर गरजे। BJP के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के समर्थन में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा के रामलीला मैदान में आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण की शुरुआत में ही मुस्कुराते हुए कहा कि हम और आप सब बजरंग बली के ही भक्त हैं और ये हमारे देश का लोकतंत्र आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, याद करिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये उनका देश को विभाजित करने वाला उद्बोधन था। हम कभी दृष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। आपको पता होगा, इससे पहले हमारे देश के करोड़ों नौजवानों के सामने अपनी पहचान का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। पिछली सरकारों ने जो लूट खसोट की है, जो राजनीति की, उसका परिणाम देश के सभी नौजवानों ने भुगता। माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी अगली सरकार सबका विकास करेगी, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करेगी। आज आप देखिए कि दुनिया भर के चुनावों में प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, पर उनका मुद्दा हमेशा हमारे मोदी जी होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो ये कहा था कि यदि मैं भविष्य में राष्ट्रपति बना तो अमेरिका को भी मोदी जी की तरह ही प्रगति पथ पर ले जाऊंगा। आप याद करिए केंद्र की योजनाओं को किस तरह मेहनत से मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाया है। हमने विकास में कभी जाति नहीं देखी, सबको योजनाओं का फायदा पहुंचाया है। भारत की 130 करोड़ जनता का सम्मान मोदी जी ने विश्व भर में बढ़ाया है। PM आवास योजना हो या विद्युत कनेक्शन या राशन हो या उज्ज्वला योजना, हमने पूरे देश में हर गरीब को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई हैं। ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग हमारी इन योजनाओं को नामुमकिन समझते थे, वो मुमकिन हुआ है क्योंकि अब मोदी है तो मुमकिन है। आज 37 करोड़ गरीब परिवारों के खाते जनधन योजनाओं में खोलने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। 12 करोड़ किसानों को किसान निधि पहुंचना, 5 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना है, ये सभी कार्य अन्य पार्टियां कभी नहीं कर पाई। वह काम मोदी जी ने कर दिखाया है। देश के 270 जिले नक्सलवाद ग्रस्त थे, आज नक्सलवाद अब सिमट कर सिर्फ 5 से 6 जिलों में ही रह गया है। यही स्थिति प्रदेश में थी। व्यापारियों से गुंडा टैक्स लेना हो या जबरन वसूली होती करनी पड़ती थी, या बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हो या जमीन पर कब्जा करना हो, कई अपहरण होते थे। तब हमने अपनी सरकार बनने पर कहा था कि अब अपराधियों की जगह जेल में होगी या फिर उसका राम नाम सत्य होगा। और विश्वास रखिए, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमारी 3 साल बचे हैं और हम प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी भी भविष्य में लेंगे। हम देश में सभी विधवाओं को पेंशन भी दे चुके हैं। हर योजना का लाभ BJP दे रही है। आतंकवाद को ठिकाने लगाने का कार्य भी BJP कर रही है। तो अब आप अपना वोट भी BJP को दीजिए। प्रधानमंत्री बनाते हुए योगी मोदी जिंदाबाद द्वारा उनको